आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा टेस्ट की गई एक मिसाइल सिस्टम के बारे में। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं रॉक्स मिसाइल सिस्टम के बारे में, जिसको कल भारतीय वायुसेना ने अंडमान के पास में सक्सेसफुली टेस्ट किया था। इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट एक सरप्राइज के तौर पर आया है और बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं था कि भारतीय वायुसेना के पास में रॉक्स मिसाइल सिस्टम है। देखिए, चाइना के साथ में जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था तो भारतीय वायुसेना की तरफ से इसराइल से कई मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर की गई थी और इनमें से एक मिसाइल सिस्टम यह रॉक्स मिसाइल सिस्टम भी है। नेचुरल था कि जब इमरजेंसी मोड में चीजों को अक्वायर करना था तो वो चीजें डायरेक्टली इंपोर्ट होनी थी, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से कोशिश की गई कि कुछ कंपोनेंट्स भारत में बनाए जाएं, और इसी वजह से रॉक्स मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने मेक इन इंडिया की मेक 3 कैटेगरी के तहत अक्वायर किया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जिसमें इसकी डिटेल्स हैं, और अभी के लिए भारतीय वायुसेना ने ऐसे 100 मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर किए हैं। इन मिसाइल सिस्टम को अक्वायर करने के बाद में इनको Su-30 MKI के साथ में इंटीग्रेट किया गया है, और ये जो अंडमान में टेस्ट किया गया था वो बेसिकली इसी का परीक्षण था। देखिए, अगर रॉक्स की बात की जाए तो ये एक एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज वाला वेपन सिस्टम है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। इसकी ट्रेजेक्ट्री हॉरिजॉन्टल हो सकती है या फिर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप वर्टिकल ट्रेजेक्ट्रीज को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो हवा में पहले ऊपर तक जाएगी और उसके बाद ग्रेविटी के प्रभाव में अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरेगी। इस ट्रेजेक्ट्री को आप पूरी तरीके से एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री नहीं कह सकते हैं, और इसी वजह से इसको क्वासाई बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। वैसे एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स के साथ में थोड़ी सी परेशानी है, और इसी वजह से कई बार ये मिसाइल सिस्टम ट्रिगर ही नहीं होती। अभी कुछ समय पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया था वहाँ पर रॉक्स मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया गया था, और अगले दिन कुछ फोटोग्राफ्स और फुटेजेस आए थे जहाँ पर रॉक्स मिसाइल सिस्टम की डेबरी मिली थी, यानी कि ये मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट तक पहुँचने से पहले ही ध्वस्त हो गई थी, और इसको अट्रिशन कहा जाता है। रॉक्स मिसाइल सिस्टम के मेकर यानी कि राफेल इंडस्ट्रीज की तरफ से कहा जाता है कि इन मिसाइल सिस्टम के साथ में भी अट्रिशन होता है, लेकिन बहुत कम। वैसे इस मिसाइल सिस्टम के दो ऐसे फीचर हैं जो इसको बहुत ज्यादा यूजफुल बनाती हैं। पहला, ये मिसाइल सिस्टम इंटेंस कम्युनिकेशन जैमिंग और GPS जैमिंग एनवायरनमेंट में काफी आसानी से परफॉर्म कर सकती है, और दूसरा, अगर आपकी टारगेट लोकेशन में कुछ एरर है तो उसको भी ये मिटिगेट कर सकती है। मेकर्स की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक में नहीं डाली गई है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके हिसाब से ये एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो लॉन्च होने के बाद में GPS और INS का प्रयोग करते हुए टारगेट के करीब तक पहुंचती है, और मिड कोर्स के बाद में इसका एंटी रेडिएशन सीकर अपना काम करना शुरू कर देता है। टारगेट से आ रही तरंगों के ऊपर ही अपने आप को लॉक करती है और फिर जाकर उस रेडार टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। राफेल की तरफ से इसकी रेंज नहीं बताई गई थी, लेकिन भारतीय मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर की है, और भारत में इसको क्रिस्टल मेज 2 भी कहा जा रहा है। कारण है कि इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो क्रिस्टल मेज 1 से अक्वायर की गई है, और इसी वजह से भारतीय वायुसेना के डॉक्यूमेंट में इसको क्रिस्टल मेज 2 कहा गया है। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम का एक्विजिशन बहुत सारे लोगों के लिए एक सरप्राइज के तौर पर आया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय वायुसेना ने रैम्पेज और रॉक्स दोनों को कुछ नंबर में अक्वायर किया था, और ये एक्विजिशन इमरजेंसी स्टॉप गैप के तौर पर किया गया था स्टैंड ऑफ के दौरान। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को अपनी देश में निर्मित इसी तरीके की मिसाइल सिस्टम्स मिल जाएंगी, और इन मिसाइल सिस्टम का नाम होगा Rudram-2। Rudram-2 सीरीज में 2 मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं, एक जो एंटी रेडिएशन हेड के साथ में आएगी और दूसरी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में आएगी। हालांकि Rudram-3 मिसाइल सिस्टम की रेंज कंपैटिबली ज्यादा होगी, लेकिन अभी ये मिसाइल सिस्टम टेस्टिंग में है, यानी कि भारतीय वायुसेना की करंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी थी, और ये चीज आप सभी जानते हैं कि लद्दाख स्टैंड ऑफ के टाइम पे सिचुएशन कैसी बनी हुई थी। इन सभी चीजों को देखते हुए अगर ये मेक 3 कैटेगरी में अक्वायर की गई है तो मुझे इस प्रोक्योरमेंट के साथ में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, स्पेसिफिकली इस वजह से क्योंकि केवल 100 मिसाइल सिस्टम अक्वायर की गई। नेवर्थलेस, भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।